वेस्ट साइड के सामने पहुंच चुके हैं, ये बैक साइड पे है वेस्ट साइड। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज हम लोग जाने वाले हैं वेस्ट साइड मॉल में। एंड वो मैं बात करूँ वेस्ट साइड कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो फोर्थ में लोकेटेड होने वाला है, काला घोड़ा के अपोजिट में होने वाला है। एंड वहाँ पर कैसा है ना, न्यू कलेक्शन आते रहते हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन भी रहते हैं, शूज़ वगैरह के एंड टी शर्ट जैकेट सब अलग अलग कलेक्शन रहते हैं। तो वहाँ पर हम लोग आज विज़िट करके देखेंगे वहाँ पर कैसी वैरायटीज़ होने वाली हैं, और आप लोग को भी दिखाएंगे कि क्या प्राइस चल रहा है वहाँ पर। और अभी तो थोड़ा दिवाली भी चल रहा है, तो शायद कुछ ऑफ़र मिल जाए। वैसे हम लोग को पता नहीं है कि ऑफ़र होने वाला है कि नहीं, तो चल के देखते हैं वहाँ पर। लेट्स गो, आप लोग वीडियो में बने रहो एंड तक। साइड के सामने पहुंच चुके हैं, ये बैक साइड पे है वेस्ट साइड एंड इसके अपोजिट में है काला घोड़ा। अगर आप यहाँ पर, ऐसा दिख रहा नहीं होगा क्योंकि बहुत दूर है वो, इसके वजह से इतना अच्छा दिखेगा नहीं, लेकिन कैसा है ना कि वेस्ट साइड एकदम काला घोड़ा के अपोजिट में। अगर आप लोग को विजिट करना है ना, तो मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो अभी विजिट करते हैं अंदर। जैसे ही हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे गए, हम लोगों को टी शर्ट्स देखने मिले, उसके बाद हम लोग बढ़े जीन्स के सेक्शन में। उसके बाजू में ही जीन्स का सेक्शन था। जीन्स में नयोन के ब्रांड के जीन्स थे अलग अलग, उसमें 3 से 4 शेड्स थे। तो हम लोग जीन्स देखने लगे एंड जीन्स की क्वालिटी तो थोड़ी अच्छी लगी, लेकिन उसमें कलर्स ज़्यादा नहीं थे, बस 3-4 कलर्स ही थे। एंड इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसमें प्राइस था 999 इसकी प्राइस थी, मतलब 1000 समझ लो, लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत बेस्ट जीन्स था। उसके बाद हम लोग गए 699 की रेंज की तरफ, तो यहाँ पर कुछ टी शर्ट्स थे, लेकिन इतने टी शर्ट्स हमको खास नहीं लगे, तो हम लोग बढ़े आगे। आगे जाने के बाद हम लोगों को टी शर्ट्स देखने मिले, लेकिन उनमें से मुझे एक टी शर्ट पसंद आ गया था। और भी एक टी शर्ट पसंद आ रहा था, लेकिन ये टी शर्ट्स की क्वालिटी वैसी नहीं थी, इसके वजह से मैं आगे बढ़ गया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर, मतलब टी शर्ट्स थे कुछ, लेकिन इतने खास नहीं लग रहे थे क्वालिटी। एंड उसके बाद देखिए, शर्ट्स मुझे पसंद आया थोड़ा, लेकिन इसका प्राइस 1299 था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैं सोचा ले लूँ। उसके बाद मैंने शर्ट भी ले लिया, और यहाँ पर कुछ टी शर्ट्स हैं बहुत अलग अलग प्रिंट्स के थे टी शर्ट, तो वो मुझे इतना खास नहीं लगा, इसीलिए मैं बढ़ गया। एंड यहाँ पर थोड़े बहुत शॉर्ट के सेक्शन भी थे, तो अपने को शॉर्ट्स नहीं चाहिए थे। उसके बाजू में थोड़े थे टी शर्ट्स वगैरह, तो हम लोग देखने लगे टी शर्ट्स। एंड ये फुल स्लीव्स टी शर्ट था, वाइट में, बेसिक्स में, तो ये थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया। और ये कैसा है ना, थोड़ा लाइनिंग टाइप में था, तो इसीलिए अपने को मज़ा नहीं आया। उसके बाद अपन दूसरे जगह देखने लगे। एंड जो इसके बाजू वाला शर्ट है, वो भी बहुत अच्छा दिख रहा था देखने में। एंड ये सब कैसा है ना, अभी ये यूनिक चीज़ है, ये सब अभी ट्रेंडिंग में आर्टिकल है, लेकिन अपन बढ़ गए थोड़े आगे। एंड उसके बाद हम लोग चले गए स्लीप्स एंड शूज़ के सेक्शन में। और यहाँ पर कैसा है ना, थोड़े बहुत शूज़ थे, और ये वाइट शूज़ कैसा ना, थोड़ा डिसेंट टाइप का लगता है एंड मस्त लगता है। और ये एपिक का था, इसमें भी अलग अलग चीज़ थे। बाकी नीचे रो में थोड़ा ब्लैक में भी था, एंड ऊपर साइड में भी थोड़ा अलग कलिंग था। उसके बाद हम लोग गए स्लीपर्स में, ये स्लीपर्स के अलग अलग कलर्स थे, मतलब ये कैसा ना, थोड़ा अच्छा लगता है सब। एंड बाजू में भी थोड़े बहुत थे। और ये कैसा है ना, ये फ्लिप फ्लॉप है, ये सब इसमें भी अलग अलग टाइप्स के थे। एंड ये कैसा ना, बहुत मस्त लग रहा था, ब्लैक टाइप का, ऊपर ओनली टाइप में लिखा था मतलब। और उसके बाजू में भी था, मतलब ये सब बहुत सारी वैरायटीज़ थी यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद ये सब शूज सब अलग अलग टाइप्स के हैं ये सब। और यहाँ पर था शर्ट्स का सेक्शन, और थोड़े बहुत चेक शर्ट्स में भी थे, अलग अलग कलर्स थे, अच्छे लग रहे थे। लेकिन ये जो मैंने कलर्स निकाला, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। तो
क्योंकि अपन ऊपर जाते हैं नीचे का लगता है लेकिन इतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा आना चाहिए। तो यहाँ पर किड्स जोन है बच्चे का यहाँ पर सिर्फ अच्छे होते हैं। मैं सोचा था साइड में कलेक्शन रहेगा लेकिन नहीं है। दिवाली आने पहले सब कलेक्शन बिक जाए क्या? तो यहाँ पे तो बच्चे लोग एंड हम लोग सेकंड फ्लोर पे गए थे। यहाँ पे बच्चे लोग का एक ऐसा पार्टी वेयर टाइप में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फ्लावर्स वगैरह एंड पौधे वगैरह मतलब यूनिक चीज़ थे एकदम। ये वॉच घड़ी वगैरह सब अलग अलग एकदम यूनिक चीज़ था। तो ये सब चीज़ कैसा है ना बहुत यूनिक था। एंड इसमें मैंने है ना प्राइस देखे इसका, ये चीज़ कैसा है इसका प्राइस दिखा देता हूँ। इसका प्राइस 999 है मतलब 1000 में ये चीज़। और ये यूनिक चीज़ है एकदम। इससे पहले हम लोग है ना फर्स्ट फ्लोर पे थे तो हम लोग ने सोचा कि सेकंड फ्लोर पे रहेंगे जाएंगे और वहाँ पर भी होगा ऐसी वेराइटी कि बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें होंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो कुछ अलग ही चीज़ें, यहाँ पर सब यूनिक चीज़ें। और इसके बाजू में जो हम लोग गए थे वहाँ पर पूरा किड्स का था मतलब बच्चे लोग का था। वहाँ पर भी चीज़ें अच्छी अच्छी थी किड्स लोग का। और यहाँ पर ये सब कैसा है ना ये घर पर सजाने के लिए बहुत बेस्ट लगता है। ये सब यूनिक चीज़ें हैं। इसमें क्या निकाल छोटा साइज प्रिंट में होड़ी देखते ना यार। दिखा दिखा, दिखा ये इसमें क्या साइज है? एम साइज ही कितना बड़ा है? ये एम साइज है, ओवर साइज है ना, एस साइज होगा ना इसमें लिखते हैं। एक्सेस होती थी यहाँ पर देखा लग रही है तो ट्राई मारेगा दो चीज़ हम लोग ने सिलेक्ट कर लिए थे, एक हुडी और एक जिपर टाइप में शर्ट। शर्ट था। फिर हम लोग और देखने लगे तो हम लोग जहाँ से स्टार्टिंग किए थे वहीं पर आ गए वापस जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किए थे। उसके बाद फिर मेरे को ये थोड़ा चीज़ अच्छा लगा, इसमें थोड़ा मतलब डिसेंट टाइप में था ये, लेकिन मैंने इसका प्राइस नहीं देखा था। इसमें तेरा घर चले जाएगा पूरा जाके कपड़े का इसका प्राइस देखने के बाद मैं एकदम शॉक में गया था। 1499 मतलब 1500 की चीज़ ये, तो मैं एकदम शॉक हो गया था। चले फाउंडर से 100 वाले जींस खरीदने। आज बाजू में फाउंटेन है वहाँ पे फुटपाथ पे 100-150 में एक से एक जीन्स मिलती है वहाँ से। ये तो पागल है जो 2-3 दिन खरीदने के लिए तैयार है। सो गाइस ये भाई ये स्टाफ है यहाँ के वेस्ट साइड के स्टाफ है। भाई से थोड़ा इंट्रो करते हैं। आपका नाम क्या है? रोशन शिंदे। रोशन शिंदे भाई कितने साल से हो वेस्ट साइड में? 2 ईयर। तो भाई को वेस्ट साइड के बारे में बहुत कुछ मालूम है। देखो भाई हमें हुडीज दिखा रहे हैं सब फॉर्मल ब्लैक। यहाँ हम लोग ने एक स्टाफ से बात की। पहले तो हम लोग ने उनसे पूछे कि प्रिंटेड हुडीज़ कहाँ मिलेंगे, तो वो हम लोग को बेसिक हुडी दिखाने लगे एंड उसमें भी थोड़े बहुत आर्टिकल दिखाए। उसके बाद हम लोग ने पूछे कि प्रिंटेड हुडी है कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद हमने पूछा कि आपका कलेक्शन कब अपडेट होता है, तो उन्होंने बोला थर्सडे होते रहते हैं, देखेंगे नेक्स्ट टाइम भी देखेंगे कोई नहीं, लेकिन अभी भी देखते हैं कुछ पसंद आ जाए। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong. बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए कौन सा साइज़ है? इसको रहने दे, इसके नीचे रखना छोटा साइज़ है, निकलना। But my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay, just let me be me, and I'll stay out of your way. तो बेसिक हुडी में मुझे एक ये लेवेंडर कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड इसमें साइजेस मैंने दूसरे निकाले थे लेकिन बाद में मुझे साइजेस मिल गए क्योंकि उसमें नीचे साइज़ थे। एंड मैं ये ब्लैक वाला भी सोच रहा था लेने के लिए, लेकिन ब्लैक कलर का ऐसा ना कॉमन कलर है इसीलिए मैंने ब्लैक कलर नहीं लिया, लेवेंडर कलर ही लिया। ये सब सिलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए डायरेक्ट चेंजिंग रूम में।
a day. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. ये कैसा है ना, ये पूरा बेसिक हो गया, मतलब समझ रहा हम लोग प्रिंट वाला देख रहे हैं लेकिन प्रिंट वाला मिल रहा ही नहीं है, हर तरफ मैं ही मैं। तो ये हुडी कैसा है ना, हाफ में ये साइज भी थोड़ा अच्छा आ रहा है, लेकिन अगर इसमें बैक प्रिंट होता ना, जैसे आप लोग एकदम सिंपल प्रिंट है, अगर इसमें बैक प्रिंट होता ना मज़ा आ जाता। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये चीज़ देखा मतलब ऐसा नहीं बोल सकते अपन के कलेक्शन नहीं था, कलेक्शन था लेकिन यहाँ का थोड़ा काला आ रहा था यार, रुको मैं जाता हूँ। और इसके बाहर कैसा है ना, देखो इधर पे पूरा रोड छोड़ जा रहा है, तो कैसा है ना इधर पे ना बहुत आवाज़ आ रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोल के दिखाता हूँ, बोलता हूँ मतलब सोचे थे वैसा नहीं था लेकिन था, कलेक्शन था। मेरे को एक चीज़ बहुत पसंद आई थी लेकिन वो कैसा ना लेंथ से बहुत लंबा हो रहा था, इसकी वजह से मैंने नहीं बाय किया, क्योंकि वो लेंथ से लंबा हो रहा था तो मतलब नहीं, अगर उसको कटा भी देते अपन तो भी वो लुक नहीं आता उसमें जो पहले का लुक है, इसी वजह से। लेकिन वो चीज़ मेरे को बहुत प्यारी लगी, बहुत पसंद आया वो। देखो कुछ पसंद आया कि नहीं, सब पसंद आया लेकिन पैसे नहीं। मैं गरीब हूँ बोल, मैं गरीब हूँ, मेरी माँ बाप ने मुझे गरीब रखा है। हाँ तो कैसा है ना, मतलब यहाँ पे हम लोग ने बात किए थे एक स्टाफ से, वो बोल रहे थे कि थर्सडे को ना, थर्सडे को अपना कलेक्शन आता है, थर्सडे को उनका कलेक्शन आता है न्यू जो भी न्यू कलेक्शन से। तो इसके दोस्त भी है, ये देखो फैन फॉलोइंग देखो, बस में वो दिख रहा नहीं है, जाने दो। अगर आपको इधर पे वेस्ट साइड पे अगर विजिट करना है तो आप थर्सडे को विजिट करो, क्योंकि यहाँ पे है ना थर्सडे को इनका कलेक्शन अपडेट्स वगैरह होते हैं, जो भी बेस्ट कलेक्शन है वो थर्सडे को आते हैं, तब था जो अच्छे बेस्ट चीज़ थे, वैसे तो मैंने सभी दिखाए। क्या उसके थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना तो वहाँ पे फोर्थ में ज़ारा मॉल के सामने ना 200-250 की जीन्स मिलती है, जैसे ना वहाँ पे भी 200-250 बहुत चीपेस्ट रेस्ट में जीन्स मिलते हैं, तो अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप इंजॉय दिस योर वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।